पूछना चाहता हूँ राइट right. आप प्रोफेसर है, yeah. yeah. है? देखिए मैं सभी रिलीजन को मानता हूँ लाइक ईसाइयों को भी मानता हूँ मुस्लिम्स को भी मानता हूँ सभी को मानता हूँ ऐसा कोई नहीं है बिकॉज पीपल लाइक वन गॉड इज वन राइट एवरी लाइक इन एवरी थिंग इज गुड

सबसे पहली बात अल्लाह नबुद्ल्ह के हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें वला नुष का भी ईशा ही हम आपस में किसी को शरीक ना करें वला नुष्य का भी ईशा ही हों वला तकीबाद अरबाद और हम आपस में किसी को रब ना बनाएं फ़न तवल्ल अगर वो फिर मुड़ जाए फ़कुरशद नस्लिम तो मैं कम अज़ कम शहादत देता हूँ कि मैं उस अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसकी बात मानता हूँ मैं मुस्लिम हूँ तो यहाँ मैं क्या कहता हूँ कॉमन फॉर्मूला मैं कहता हूं कि कम अज कम हर इंसान कोई भी मजहब में मानता हूं कम अज कम ये माने कि एक किताब सौ फीसद खुदा की तरफ से ठीक है तो हिंदू कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए क्या वेद खुदा का कलाम है वो क्रिश्चियन कहेगा मुझे कोई हर्ज नहीं थी। मानने के लिए कि बाइबल खुदा का कलाम तो है मुस्लिम कहेगा कि मुझे कोई हर्ज नहीं मानने के लिए कुरान अल्लाह का कलाम है बाद में मैं कहता हूँ हम कम अज कम उस बात पर अमल करें जो सारी मज़हबी किताबों में यकसा है तो मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ कंपेटिव रिलीजन इस्लाम और तकबुल माहब का मैं तालब इलम हूँ तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि सारे मजहब की किताब कहते हैं कि खुदा एक है मैं हवाला दे चुका हूँ हिंदू महब का हवाला दे सकता हूँ छंदोग नंबर सिक्स सेक्शन नंबर टू वॉस्ट नंबर वन स्वतः परिषद चैप्टर नंबर सिख वर्ष नंबर नाइन श्वेता सर सब में लिखा है भगवान एक के मूर्ति पूजा गलत है आप बाइबल पढ़ेंगे बुक ऑफ डिटोन चैप्टर फोर उसमें लिखा है कि एक है कुरान में लिखे सूर्य इखलास में सुरह नंबर एक सौ बारह आयत नंबर एक से चार लावद गाँव के खुदा एक है तो मैं कहता हूँ कि जो चीज़ य है कम अज़ कम उसके ऊपर तो अमल करो जो इख्तलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे सही या गलत कल डिस्कस करेंगे आप प्रोफेसर है आपको पता है जो चीज सारी किताबों में यकसा है तो सौ फीसद सही होना चाहिए जो चीज में इख्तलाफ है वो हम कल डिस्कस कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत तो ये फॉर्मूला जो वेन डायग्राम होता है प्रोफेसर है ना वेन डायग्राम मतलब कॉमन इट बिलोंग्स टू बोथ द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स राइट माशाल्लाह आपको अल्लाह ने इतना इल्म दिया है लेकिन वो एक होता है थ्योरी एक होता है प्रैक्टिस

जुडाजम इस्लाम पता चलता है कि मजहब के ठेकेदार क्या सिखाते वो छोड़ो वी हैव टू गो टू द सोर्स मजहब के ठेकेदार अपने फ़ायदे के लिए बहुत से गलत चीज़ सिखाते हैं वॉट इज थ्रूथ यू शुड फॉलो तो वैन वी गो टू द सोर्स सोर्स पे जाते पता चलता है, खुदा एक है बुद्ध परस्ती गलत है आखिरी बैग मोहम्मद वल्लम में सारी मजहबी किताब में लिखा है कि शराब गलत है हिंदुजम में क्रिश्चियनिटी में जुडाजम में इस्लाम में सारी मजहबी किताब में लिखा है वो खराब में हिंदू मजहबी किताब में लिखा है बाइबल में लिखा है कुरान में लिखा है तो क्यों नाम कम अज कम जो चीज है उसके ऊपर अमल करे जो चीज इख्तलाफ है वो कल डिस्कस करेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रोफेसर है आपको मानना चाहिए जब बोलते ऑल रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं आप तो ऑल रिलीजन जो कहता है उसके ऊपर अमल करते हैं क्या नहीं मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है देखिए मैं बोल चुका हूँ सब चीजें मानता हूँ लेकिन पहले चीज मैं पांच चीजें आपको बताता हूँ जो मेन है लाइफ में नमो अरिहंतान मीन सभी अरिहंतों को नमस्कार नमो सिद्धानम सभी साधुओं को नमस्कार नमो आर्यणम सभी आर्यणों को नमस्कार नमो एन नमो उज्जयन मतलब सभी लोह पुरुष को नमस्कार तो सभी को नमस्कार करने के बाद आप किसी के बारे में सोचिए सब चीज सही है भाई साहब आपने कहा नमस्कार 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 आप नमस्कार का मतलब जानते हैं Right. क्या मतलब है नमस्कार का नमस्कार का मतलब आपकी मॉरल वैल्यूज यू गिव दी गिव मी द एग्जैक्ट लिटरल मीनिंग, इज़ संस्कृत मैं आपसे पूछता हूं इसका मतलब क्या आपको नहीं पता तो मैं बताऊंगा नमस्कार का मतलब क्या है वॉट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड नमस्कार आप कह रहे हैं आप प्रोफेसर है मैं तालिब इल्म हूँ राइट मैं अपने आप को स्टूडेंट कहता हूँ स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहा है आपने नमस्कार का लफ्ज इस्तेमाल किया नमस्कार 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 मैं तालिब इल्म आपसे पूछता तो, हूँ नमस्कार की बानी क्या है आर्यन से नमस्कार साधु से नमस्कार नमस्कार की मानी क्या है कभी कभी होता है कि स्टूडेंट जरा प्रोफेसर से ऊंचा हो जाता है नहीं पता तो मैं आपको जवाब दे सकता हूँ बताइए नमस्कार आता है लफ्ज इदम नमे से संस्कृत लफ्ज इदम नमे से मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं उसका मतलब मैं आपकी इबादत करता हूं इसीलिए अगर कोई मुझे नमस्कार कहता है तो मैं उसको वापस नमस्कार नहीं बोलता हूं मैं इबादत करता सिर्फ एक खुदा की एकदम नमे मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं मैं आपकी इबादत करता हूं ये हिंदू फिलॉसफी है हिंदू फिलॉसफी लेकिन उनकी किताब के खिलाफ है वेद वेद में नहीं लिखा है वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो वेद में लिखा है एक ही ईश्वर की इबादत करो ये पैंथीज़म जो है वो क्रिपिन क्या पैंथीज़म मतलब सब कुछ खुदा अक्सर हिंदू से पूछेंगे कितने खुदा है कौन कहेगा तीन कौन कहेगा दस कौन कहेगा सौ कौन कहेगा तैतीस करोड़ एक विद्वान हिंदू से कहेंगे जो अपने मजहबी किताबे के बारे में जानता है वो कहेगा खुदा ही है, है तो अक्सर हिंदू बिलीव करते फिलोसफी जिसे कहते हैं पैंथीजम पैंथियजम मतलब एवरीथिंग इज गॉड सब कुछ खुदा है हिंदू कहते सब कुछ खुदा है ये चांद खुदा है सूरज खुदा है इंसान खुदा है पेड़ खुदा है सांप खुदा है हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है चांद खुदा का है सूरज खुदा का है इंसान खुदा का है पेड़ खुदा का है सांप खुदा का है <laughs> हिंदू से एवरीथिंग इज गॉड वी मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड्स जी ओ डी विद एन पॉस्ट ऑफ तो मेजर फर्क है का का ये का फर्क को मिटा देंगे तो हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे द डिफरेंस इज द पॉस्ट ऑफियस हिंदू से एवरी थिंग इज गॉड मुस्लिम से एवरीथिंग इज गॉड जी ओडीन पॉस्ट ऑफ फेस इफ वी कैन सोल्व द पॉस्ट ऑफ यी वन कैसे करे गो बैक टू यिप्चर्स वेद पढ़ो उपनिषद पढ़ो कुरान पढ़ो का के फर्क को निकाल लेंगे तो आप इदम नम में नमस्कार नहीं कहेंगे खुदा एक ही है हिंदुजम का ब्रह्म सूत्र एकम ब्राह्म देवत्या नाश्ते नैना नास्ते किंचन भगवान एक ही है दूसरा नहीं है नहीं है नहीं है जरा भी नहीं है देर इज ओनली वन गॉड नॉट अ सेकेंड वन नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल नॉट इन द लिस्ट बेट तो ये चीज अगर आप जानेंगे जो आप चीज कह रहे हैं उसकी मानी नहीं जानते तो अमल कैसा करेंगे तो इसीलिए प्रोफेसर साहब मानी जानना जरूरी है और सिखाने के अलावा अमल करना जरूरी है थ्योरी से इंपॉर्टेंट इज पुटिंग इन टू प्रैक्टिस थ्योरी पे बोलना चाहे चोरी मत करो मैं चोरी कर रहा हूं ने बोलना चाहे मैं झूठ बोल रहा हूं क्या फायदा तकरीर करना एक अलग बात है अमल में लाना एक दूसरी बात है इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप और मुताला कीजिए दिगर मजहब का कम अज कम शुरू में ये तो मान लो मुताले के बाद कि खुदा एक है और इस खुदा की बुतप्रस्ती नहीं करना चाहिए इसके बाद आपको पता चलेगा दगर मजहब में इस्लाम में हिंदुज़म में क्रिश्चैनिटी में जुडाज़म में कि आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लम इन शाह मुताल कीजिए और अमल कीजिए और फिर इंशाल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी होप दैट वाज प्लीज थैंक यू सो मच